फ्रेंड, सबसे इजी तरीका से आप लोग को क्रिसमस ट्री बनाना सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम कैसे बनाएं, उसका पेंट कैसे करें, पूरा डिटेल, ठीक है? ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, पूरा ध्यान से देखिए। और घर में सब्जी काटने के लिए जो चाकू छुरी होता है, इस टाइप का टूल्स आप ले लीजिए और मिट्टी ले लीजिए, ठीक है? चलिए, ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे, एकदम बहुत ही इजी है। दो शेप बनाना है, उसी शेप में आपका पूरा ट्री बन जाएगा। आप प्लीज़ देखते जाइए, ठीक है? इसका जॉइनिंग अच्छा से होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आपका ट्री गिर जाएगा सूखने के बाद। आप अंदर से स्टिक कुछ आर्मेचर के हिसाब से डाल सकते, लेकिन उसमें क्रैक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप डाल दीजिए। अभी ये गिर जाएगा, नीचे कुछ सपोर्ट जरूरी है तो पेडिस्टल टाइप का कुछ बना दीजिए, लैंडस्केप। और फिक्स्ड कर दीजिए, ठीक है ना? ये अभी स्टेबल है। ये देखिए, मैंने वही एक ही चाकू लेके ही आप लोग को वही दिखाता हूँ। इसमें एक टेक्सचर आप बना लीजिए, ये टॉप साइड से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये छोटा 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 करके ये टेक्सचर आप बना लीजिए। पूरा के पूरा आपको लगेगा क्या ये लिप्स है। और एक ट्री का फीलिंग्स नजर आएगा। अभी ये प्राइमर आप यूज़ कर लीजिए, बर्जर हो, एशियन पेंट, नेरोलैक, बहुत सारा ब्रांड आजकल मिलता है, बहुत सस्ता भी है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, 220 का। ये वाटर बेस सीमेंट के ऊपर लगाते हैं वही प्राइमर। और ये कलर देखिए, एक्रेलिक कलर, एक्रेलिक ट्यूब। ये ट्यूब का आपका अलग अलग प्राइस में मिलता है, जैसे 240 रुपया हो गया। ये गोल्ड का थोड़ा महंगा है, ये 300 रुपया का है। ये 220, इस टाइप का अलग 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 प्राइस है। आप ये ना खरीदे तो छोटा भी खरीद सकते हैं। ये देखिए, छोटा टाइप, छोटा एकदम, ये 85, ठीक है ना? तो 80-85 रुपया में ये छोटा छोटा ट्यूब, ये 40 ml का ट्यूब है, ठीक है? तो इस टाइप का ट्यूब भी आप ले सकते हैं। और नहीं तो जैसा ये फैब्रिक कलर है, ये इस टाइप का एक्रेलिक कलर का डिब्बा भी आता है, ठीक है ना? ये 200 रुपया में आपका इतना वेरिएशन आपका मिल जाएगा, मतलब 8 टाइप का ये कलर, 10 टाइप का, ठीक है ना? तो 10 वेरिएशन आपका ये 200 रुपये में मिल जाएगा। इसमें भी बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, बहुत सारा पेंट है इसके अंदर, ठीक है ना? तो इसको सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कलर करता हूँ फटाफट, है ना?
पहले देखिए, ये अभी तक सूखा नहीं, फिर भी जल्दी जल्दी दिखाना पड़ रहा है। इसमें पूरा के पूरा आप प्राइमर लगा दीजिए। प्राइमर को थोड़ा पतला कीजिए और अच्छा गड्ढा जो है गड्ढा में भी जाना चाहिए। पहले यहाँ पे डीप ग्रीन, एकदम डार्क ग्रीन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अंदर का तरफ एकदम जितना भी गड्ढा है उसमें भी एकदम पूरा अच्छा से लगाना पड़ेगा। मतलब कलर ऐसा ठीक ना हो जाए जो वो गड्ढा बंद हो जाए, है ना। थोड़ा पतला लेके ध्यान से लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा लाइट टोन ग्रीन का लाइट टोन सिर्फ ऊपर ऊपर लगाएंगे, है ना। अंदर गड्ढा में डार्क टोन आ जाएगा। ऐसा करके ऊपर और भी लाइट टोन आप थोड़ा यूज कीजिए तो इसमें एक वेरिएशन आएगा। नीचे भी लैंडस्केप का जो एरिया है उसमें भी थोड़ा कलर कर देता हूं। यहाँ पे भी ब्राउन कलर, पहले डार्क ब्राउन धीरे धीरे लाइट ब्राउन, ठीक है ना। तो इस टाइप का कलर करके इसका भी वेरिएशन आप कर सकते हैं। तो पूरा ये बनाने का बाद आप सोचिए अलग अलग साइज का आप बना सकते हैं। अलग अलग साइज का बना के आप जब डिस्प्ले करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा ये। यहाँ पे मैंने जैसा चाकू छुरी यूज करके आपका लिप्स का टेक्सचर बनाया था, तो उसमें अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके आप लिप्स का भी वेरिएशन कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग ट्री का वेरिएशन अच्छा लगेगा। यहाँ पे ट्री बंक थोड़ा थिकनेस मैंने ज्यादा रखा था, इसको थोड़ा पतला भी कर सकते, मतलब टूटने का डर नहीं है। तो हो गया फ्रेंड, आप भी बना लीजिए, बहुत सुंदर बनेगा। थैंक यू।